पथराव कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ हुई झड़प के दौरान सेना के जवानों ने फायरिंग की, जिसमें एक लड़की समेत 3 नागरिकों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। कुलगाम की इस घटना पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा ने दुख और पीड़ा जाहिर की और कश्मीर घाटी की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई। इस बैठक में थल सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने भी हिस्सा लिया। राजभवन के प्रवक्ता ने बताया कि आम लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए वोहरा ने थल सेना और सभी सुरक्षा बलों की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए ताकि आम लोगों को नुकसान न हो। राज्यपाल ने कठिन परिस्थितियों से निपटने के दौरान किसी नागरिक जीवन का नुकसान न हो, इसके लिए सशक्त बलों और राज्य पुलिस के बीच सशक्त सहयोगी कार्रवाई और तालमेल पर जोर दिया। आपको याद दिला दें कि राज्य सरकार में शामिल BJP के PDP से समर्थन वापस लेने के बाद से यहां पर राज्यपाल शासन लागू है।